का तो स्वागत करना चाहूँ सचिव व्लॉग्स में। आज की डेट है 9th June 2024। मैं विस्पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आई एम नॉट एट होम, आई एम एट द एयरपोर्ट राइट नाउ। ओके, क्यों हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, आई एम फ्लाइंग टू दिल्ली ना एंड एक्चुअली माई डेस्टिनेशन समथिंग इज आई एम गोइंग टू चंडीगढ़ बट माई फ्लाइट फर्स्ट फ्लाइट इज फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली एंड देन दिल्ली टू चंडीगढ़। फ्रॉम चंडीगढ़ मूव फॉर थिंग जो मैं उधर पहुँच के बताऊँगा। सो एंड आई एम अलोन दिस टाइम, ट्रैवलिंग अलोन फॉर द फर्स्ट टाइम। सो मिलते हैं अमित एयरपोर्ट राइट में, आपको व्यू दिखाता हूँ प्लेन्स का। आई एम ऑल्सो सी बोइंग 747 फ्रॉम एयर इंडिया में एंड आई एम फ्लाइंग विस्तारा राइट नाउ फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली एंड गेट वहाँ पे गेट 47A। 7:30 फ्लाइट एट 6:21, आई रीच एयरपोर्ट एट 5:20। चेक इन वगैरह सब किया उधर से एयर इंडिया कमिंग एंड फिर मैकडॉनल्ड्स में थोड़ा खाना खाया, वो फोटो दिखाता हूँ आपको। एंड आई एम सिटिंग हियर। 7:30 की फ्लाइट है मेरी इधर से दिल्ली, दिल्ली में 3 hours 40 minutes का हॉल्ट है एंड देन आई एम गोइंग टू चंडीगढ़ विथ अलायंस एयर जिसमें 8 AR होगा। सो अभी जो फ्लाइट है मेरा दैट्स A321 जो मेरे को फ्लाइट रडार पे दिख रहा है, सो इट्स गोना बी A321 एंड देन आगे इट्स गोना बी 80 AR 72। सो लेट्स सी क्या होता है, आपको वीडियो दिखाता हूँ। It's 10:03 right now and we have reached Delhi. 9:35 ko land hua, took us 30 minutes to taxi and then get to the parking bay. Now I have to go out, take my check-in baggage, again check-in. My next flight is at 12:45 or 12:40. So let's go for that now. And Delhi airport. इट्स माई फर्स्ट टाइम यार, कभी दिल्ली आया नहीं हूँ, पहली बार दिल्ली आ रहा हूँ, वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए। हॉल्ट एक्चुअली मेरा 3 घंटे 40 मिनट का था, 40 मिनट ऑलरेडी ऐसे ही फ्लाइट में ही चले गए। सो अभी मेरे पास 2 hours 45 minutes है। सो लेट्स सी, वेटिंग फॉर द बैग्स। चेक इन किया, सिक्योरिटी के लिए गया, एक आंटी को गाई थी, मैं सामान निकाल रहा था, मेरा ट्रे ढकेल दिया अंदर और मेरा बोर्डिंग पास था उसमें। सो लकीली वो बोर्डिंग पास मैं खुद प्रिंट करके लेके आया था घर से एंड उस पर मेरा बैगेज का लगाया था, सो उतना इश्यूज़ नहीं है। मेरे पास फ़ोन में बोर्डिंग कार्ड है मेरा, सो मोस्टली कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आई शो माई फ़ोन वाला बोर्डिंग पास, इट शुड वर्क। ओके, सो आई एम इन द कार राइट नाउ। अभी बताता हूँ कि मैं क्यों आया हूँ इधर।
Volkswagen is arranging a drive from Chandigarh to Leh. It's basically a tour. So I booked it and now I'm here. Jin sitting in the Tiguan, which has come to pick us up. So from here we are going to the hotel, I think ITC Heritage Ramgarh, and we'll be a group of around 60 people with three types of cars: the Volkswagen Tiguan, Virtus, and the Tiguan. And I'm here for 6 days, 5 nights. Today's day one. Tomorrow we'll be doing Chandigarh Manali. Day after tomorrow, which is Tuesday, we'll be doing Manali Jispa. Wednesday we'll be doing Jispa Leh, and then Thursday is a rest day in Leh for shopping and stuff, and then on Friday we'll be flying back. So I've reached the hotel. Ye entrance hai. This is Ramgarh Heritage Hotel. Welcome Heritage. मैं नाम डाल दूँगा नीचे. ऐसा कुछ रूम है. वहाँ पे वॉशरूम है. अभी इट्स 3:36. मुझे जाना है नीचे लंच करने जल्दी से. ऐसा वॉशरूम है. और ये मैं. So अभी जल्दी से नीचे आके लंच करके आते हैं. नेक्स्ट डे इट्स 10th जून मंडे है. आज सुबह के 6 बज रहे हैं. आई एम गोइंग फॉर ब्रेकफास्ट. 7 बजे हमें निकलना है यहाँ से. लेट्स गो हैव ब्रेकफास्ट. So this is the car I'm driving today. It's a Volkswagen Tiguan. It's TSI. Something like this. It's a 6-speed manual. Okay, this is something that I'll need to get used to. Okay, the car I have has only 5 gears. Now it's a 6. So walkie is placed here. We have food over here. Check. Walkie works. Loud and clear. Copy, thank you. And okay, being a German, indicator is on the left side. Wipers are on the right. We got cruise control over here. Rear wipers present. Oh, we have a sunroof as well. That's good. And we have a total of 23 cars. So, let's go. Sarai Bharatgarh, and अभी एक कॉफ़ी का ब्रेक लिया है.
मैंने कोल्ड कॉफ़ी पी है, आपको वीडियो दिखाई होगा। अभी मैं आपको बाहर रख के पूरा लाइनअप दिखाता हूँ। वी आर 23 वॉक्सवैगन कार्स, ओके। सो बाहर जाके एक बार सब गाड़ियाँ दिखा रही हूँ, सब लोग अंदर कॉफ़ी पी रहे हैं, सब गाड़ियों के पास कोई नहीं रहेगा। एंड वी ड्रिवन अराउंड कितना, 1 hour 45 minutes, 80 किलोमीटर्स कवर किया है फ्रॉम चंडीगढ़ टू मनाली। इसके बाद अभी और 2 breaks लेंगे हम। नेक्स्ट ब्रेक इज आफ्टर अराउंड 1 hour 45 minutes। सो वे आपको सारी गाड़ियाँ दिखाता हूँ। एंड पिछले 45 minutes से मैच चल रहा था, सो मेरी गाड़ी की चाबी मेरे पास है। तो वो जो रेड वाली है वो मेरी गाड़ी है जिसमें मैं हूँ आज। देन वी हैव अ वर्टस, वर्टस टाइगून GT, ये वर्टस भी GT है। देन लेट्स गो ओवर हियर एंड इंक्लूडिंग आर 23 वॉक्सवैगन कार्स, वी हैव एन एम्बुलेंस विद अस एंड 2 बोलेरो महिंद्रा पिकअप ट्रक्स फॉर आर लगेज। वी हैव अ टिगुआन टाइगून, अगेन अ टाइगून GT, अ टिगुआन, वर्टस, वर्टस, टिगुआन। आई थिंक दिस कार ऑल्सो विद अस, क्योंकि ये होटल पे भी थी और अभी इधर भी है। अभी पीछे जाते हैं एंड आई थिंक दैट एम्बुलेंस राइट देयर इज ऑल्सो विद अस। वी हैव टाइगून, 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 वर्टस, वी हैव अराउंड 5 वर्टस एंड देन 6-7 टाइगून्स एंड देन 6 टिगुआन्स, अगेन अ टाइगून। उधर पीछे भी एक टाइगून खड़ी है एंड वी आर ड्राइविंग इन द कॉन्वॉय। सो हर गाड़ी पे ऐसा नंबर लिखा हुआ है, सो यू हैव टू ड्राइव इन दैट मैनर। हाँ, बीच में यू कैन डू आगे पीछे। दैट टाइगून ओवर देयर, देन अ टिगुआन, दैट्स द कंटेंट क्रू फ्रॉम वॉक्सवैगन। देन वी हैव वर्टस, टाइगून एंड देन वन मोर टाइगून एंड दिस इज द वन आई वाज ड्राइविंग। दिस इज व्हाट ईच कार गेट्स, वॉकी टॉकी। सो वी ऑल कार्स आर कनेक्टेड विद आवर रेडियोस। देन वी हैव अ फूड बास्केट ओवर हियर। इन ईच कार वॉक्सवैगन इज गिवन अस फूड बास्केट, जिसमें ड्राई फ्रूट्स है, किटकैट है, प्रोटीन बार, प्रिंगल्स, टिश्यू पेपर है। देन वॉक्सवैगन इज गिवन अस सच बॉटल्स। मेरी वाली पीछे दिखाते हैं, ऐसी बॉटल दी है एंड देव कैप्ट बिस्लरी के वो बड़े वाले बॉटल्स आते हैं ना, और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक डिस्पेंसर लगा है।
सुकेट कैफे में रुका है लंच के लिए. लंच का फोटो आपको दिखाता हूँ. एंड गाइस पार्किंग देखो, इनका पूरा वॉक्सवैगन से भर गया. यहाँ पे गाड़ी है, वहाँ पे गाड़ी है, वहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है. सो अमेजिंग इवेंट गोइंग ऑन, मस्त जा रहा है सब. ऐसा कुछ होटल है अपना, इट्स पालचा होटल, बेसिकली रेडिसन का है ये. अपने को रूम मिला 218, एंटर करते हैं. एंड मैं सोलो आया हूँ तो मेरे को सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम मिला है विथ अ बालकनी एंड विंडो. सो ये इधर कुछ सीटिंग है, यहाँ पे स्टडी या ड्रेसिंग टेबल टाइप है, टीवी है, किंग साइज बेड है. बेस्ट पार्ट, नीचे ही स्टारबक्स है. एंड देन दैट्स आवर होटल्स नेम, पालचन होटल एंड स्पा. ये रास्ता है, नीचे स्टारबक्स है एंड द वॉशरूम. इतना बड़ा वॉशरूम और ये मैं हूँ.